सब्सक्राइब कीजिए प्रीतीस केक एंड कुकिंग को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतीस केक एंड कुकिंग। आज हम लोग बनाएंगे बची हुई दाल से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी डोसे। डोसे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये वाला डोसा एक बार ट्राई कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये दाल से भी इतना बढ़िया डोसा बन सकता है। साथ ही में हम सीखेंगे इसके साथ में बहुत ही चटपटा और स्पेशल मसाला और इस डोसे के साथ में खाई जाने वाली स्पेशल चटनी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कप अरहर की दाल है। ये सिंपल नॉर्मल जो दाल हम घर पे बनाते हैं वही दाल है। आप चाहे तो इसके बदले उड़द की दाल या ग्रीन छिलके वाली दाल भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास दाल बच गई है उसके आप डोसे बना सकते हैं। तो जितनी दाल है उतने ही हम लेंगे सूजी। तो यहाँ पर हमने एक कप दाल ली थी, तो इसीलिए हम सूजी भी लेंगे एक कप। और फिर यहाँ पे हम लेंगे आधा कप दही। यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है। अगर आपके पास खट्टा दही है तो थोड़ा सा दही की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने लिया है 1/4 TSP बेकिंग सोडा। और फिर यहाँ पे हम लेंगे लगभग 1/2 TSP जितना नमक। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आपको डोसे को और भी ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके डोसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से और स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छे से ग्राइंड हुआ है। आप चाहे तो इसमें अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हुआ है। और जो हमारे मिक्सी के जार में थोड़ा सा चिपकी हुई दाल रह गई थी उसको भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करने के बाद में आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि जो सूजी है हमारी वो बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तब तक हम यहाँ पे इसकी चटनी रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने 2 छोटे वाले चम्मच मूंगफली के दाने ले लिए हैं। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से अगर आप मूंगफली के दानों का यूज़ करेंगे चटनी में तो चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद में हमें इन्हें ठंडा करके इसके जो छिलके हैं उनको अलग कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग हमने 2 मिनट तक लो फ्लेम पे मूंगफली को देखिए भून लिया है और उसके छिलके भी अलग कर लिए हैं। तो इतनी मूंगफली में हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कि नारियल का बुरादा, और 1/4 कप ही मैंने लिया है दही। और फिर यहाँ पे मैंने ले ली है 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने ली है अदरक। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बिल्कुल डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्का सा पानी इसमें मिक्स करके इसको बहुत ही अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे ग्राइंड करेंगे। बहुत ही बढ़िया देखिए हमारा ग्राइंड हुआ है और बहुत ही अच्छी हमारी चटनी पीस के रेडी हुई है। तो इसको अभी हम एक बोल में निकाल लेंगे। जो ये वाली चटनी है वो इस डोसे के साथ में बहुत ही बढ़िया लगती है। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और चटनी को और भी ज़्यादा टेस्ट देने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 छोटे वाले चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 1 छोटा वाला चम्मच भर के राई। जब राई भी हमारी अच्छे से तड़क जाएगी तो इसमें हम दे देंगे सूखी हुई लाल मिर्च 1 से 2। और फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं करी पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ते हैं तो आप वो यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे ड्राइड करी लीव्स यूज़ की है। तो इस वगार को हम डाल देंगे हमारे चटनी के ऊपर। इससे हमारी चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर चटनी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने प्याज, गाजर और शिमला मिर्च को बारीक चॉप कट कर लिया है। यहाँ पर आप अपने पसंद की और कोई सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक पैन में हम ले लेंगे 2 छोटे वाले चम्मच भर के तेल। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें जो हमने सब्जियाँ चॉप करके रखी है उन सभी सब्जियों को हम डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल हल्का सा सौते करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1 मिनट तक हमें सब्जियों को भून लेना है। हमारी सब्जियाँ अच्छे से भून गई है। तो अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे लगभग 1/2 कप जितना ग्रेट किया हुआ पनीर। पनीर को यहाँ पर मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो पनीर डालने के बाद में इसे भी हमें लगभग 1/2 मिनट के लिए इन सारी सब्जियों के साथ में भुनना है।
और फिर इसमें हम यहाँ पे देंगे लगभग 1/4 टीएसपी जितनी काली मिर्च और 1/4 टीएसपी जितना हम इसमें देंगे नमक, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो डोसे के लिए आलू का भी चटपटा मसाला बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर और मिक्स सब्जियों का चटपटा मसाला बनाया है। ये मसाला डाल के जब आप डोसा खाएंगे तो डोसा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पनीर और सब्जियाँ अच्छे से भून के रेडी है। यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार है, तो अभी इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डोसे का मसाला और डोसे के लिए चटनी भी रेडी है। तो अभी हम बैटर को देख लेते हैं। आधा घंटा हो गया है, सूजी बहुत ही अच्छे से फूली है और बैटर भी देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर बैटर थोड़ा सा मोटा है, तो इसको पतला करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी देंगे ताकि जो हमारा डोसा है वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन को गरम कर लिया है, और फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। और ऑयल लगाने के बाद में हमें डोसे के तवे की जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सी ठंडी करने के लिए हम इस पे थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, जिसके कारण डोसा बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच डोसे का बैटर डालेंगे। डोसे को हम हमेशा गोल चम्मच से बनाएं तो बिल्कुल आसानी रहेगी। आप चाहे तो कटोरी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर डालने के बाद में बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से गोल गोल घुमाते रहिए और डोसे को बड़ा शेप दे दीजिए। तो इस तरह से हमारा डोसा बहुत ही आसानी से फैल जाएगा। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और यहाँ पर साइड में इसके हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और जैसे ही इसका देखिए नीचे से कलर चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, वैसे ही इसे इस तरह से समेटते हुए इसको ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा ये प्लेन दाल का डोसा बिल्कुल रेडी है। तो अभी यहाँ पर एक डोसा हम बनाएंगे मसाले के साथ में। तो फिर से हम गैस का जो ये ऊपर का टेम्परेचर है उसको मीडियम करने के लिए हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, और पानी छिड़कने के बाद में हम इसे पोंछ के फिर से हम 2 चम्मच जितना इसमें बैटर डालेंगे, और इसको भी हमें हल्के हाथों से बिल्कुल फैलाना है। और इसके भी हम चारों तरफ हल्का हल्का ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो और क्रिस्पी हो। तो अभी इस डोसे में हम डालेंगे पनीर की स्टफिंग। पनीर का जो हमारा मसाला हमने रेडी किया है वो मसाले के साथ में हम ये डोसा तैयार करेंगे। तो मसाले को हाफ साइड में डोसे के एक तरफ फैला लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये वाला डोसा भी नीचे से बहुत ही अच्छे से सिक के रेडी है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पनीर वाला डोसा भी बन के तैयार है। तो दाल से हमारे डोसे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप प्लेन डोसे भी बना सकते हैं और आलू की और पनीर की स्टफिंग के साथ भी बना सकते हैं, और साथ में बनाइए इसकी ये मज़ेदार चटनी, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाती है ये। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आपके जो भी कमेंट्स हैं आपकी रेसिपी कैसी बनी ये मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे इस तरह की सभी रेसिपीज़ मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।